और ब्रजभूषण शरण जिसके ऊपर 50 मुकदमे हैं, क्यों अरेस्ट नहीं करते? आज बीजेपी के लिए उसका सांसद कीमती है, देश का गौरव की कोई कीमत नहीं है। ब्रजभूषण कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बोल देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों, उनसे पूछ के यौन उत्पीड़न किया था क्या उसने? उनसे पूछ के यौन उत्पीड़न किया था, इसका मतलब वो ये भी कहें कि मैं अब तक जो भी गलत कर रहा था देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछ के कर रहा था। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि युग कोई भी रहा हो लेकिन स्त्री के लिए ये संसार कभी नहीं बदला है। जिनमें आत्मबल है वो जंतर मंतर पे आके अपनी बहन बेटियों का समर्थन कर रहे हैं, और जो बुजदिल हैं, जो कायर हैं, वो घरों में बैठ के राजनीति डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, यहाँ लोग जुटने लगे हैं और आप तमाम वीडियोस में देख पाए होंगे कि किस तरह से एक बड़ी तादाद में बेटियों के समर्थन में लोग आए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब जो लोग मिल रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम एक सिंगल बेटी के समर्थन में नहीं, हम पूरे देश के समर्थन में आए हैं। तो क्या कहेंगे मैम आप, जिस तरह से इतना देर लग रहा है गिरफ्तारी में, इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा नाम अनुराधा शर्मा है जी, और मेरा 30 और 35 वर्ष का सामाजिक राजनीतिक जीवन है। मैं आज जंतर मंतर पे हूँ, आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कोई हो नहीं सकता कि इस देश का गौरव बढ़ाने वाली महिलाएं जिन्होंने इस तिरंगे को गौरवान्वित किया, वो महिला पहलवान आज यौन उत्पीड़न की बात को लेके न्याय के लिए आज जंतर मंतर पे धरने पे बैठी हैं। हम उनका समर्थन करने आए हैं, इस देश की उस हर महिला का समर्थन करने आए हैं जो आज यौन उत्पीड़न की समस्याओं से पीड़ित है। आप कह रही हैं आप राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़ी रहीं, राजनीति से भी जुड़ी रहीं, उन महिलाओं को क्या कहेंगी जो इस वक्त सत्ता में हैं, राजनीति में हैं, पावर में हैं, लेकिन फिर भी इन बेटियों के समर्थन में एक ट्वीट नहीं कर रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि युग कोई भी रहा हो लेकिन स्त्री के लिए ये संसार कभी नहीं बदला है। मैं 30 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हूँ और जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के पदों पे मैंने काम किया है। मैंने स्वर्गीय राजमाता साहब के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया था, अटल जी, अडवाणी जी और स्वयं नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर के साथ मैंने काम किया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि यदि आपको याद दिलाना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था ना, तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य और गुरु द्रोण भी सत्ता के कारण मुंह में दही जमा के बैठ गए थे, लेकिन उसकी कीमत उनको देनी पड़ी थी। 6 महीने तक भीष्म को मृत्यु का इंतजार करना पड़ा था। जो लोग आज न्याय की बात नहीं कह पा रहे हैं, जो लोग सत्ता की मलाई चाटने के कारण अपनी जुबान को बंद करके बैठ गए हैं, याद रखें कि उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा क्या हुआ, आप बीजेपी समर्थक थी, आप कार्यकर्ता रही हैं, उसके बाद भी आप जंतर मंतर पे आई और वो तमाम महिलाएं क्यों नहीं आ रही हैं? देखिए, ये अपने जमीर की बात है, जब अन्याय होता है तो आत्मा झकोड़ती आदमी को, और उस आत्मा के बल से आदमी बोलता है। जिनमें आत्मबल है वो जंतर मंतर पे आके अपनी बहन बेटियों का समर्थन कर रहे हैं, और जो बुजदिल हैं, जो कायर हैं, वो घरों में बैठ के राजनीति डिस्कस करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जब देश के गौरव की बात आती है, जब इतने अहम मुद्दे होते हैं, जो महिलाएँ उन ऐसे अहम मुद्दों पर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती, उनको क्या हक है राजनीतिक क्षेत्र में आने का, उन्हें क्या हक है सामाजिक क्षेत्र में आने का, उन्हें क्या हक है पार्षद, MLA और सांसदों के चुनाव लड़ने का? वो पहले महिला हैं, उनके लिए पहले देश होना चाहिए, बाद में पार्टी होनी चाहिए। वही पार्टी महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की बात करती है। तमाम होर्डिंग बैनर आप देख पाएंगी जब आप घर से बाजार गलियों में निकलती होंगी तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, और वहीं दूसरी तरफ इस तरह के बड़े आरोप लगते हैं रेसलर्स के द्वारा। देखिए, आज ये जंतर मंतर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के समान सुरक्षा, और वो प्रधानमंत्री जो कुंभ के अंदर जाके एक स्त्री के चरण पखारते हैं और ये कहते हैं कि इस देश की स्त्री मेरे लिए माँ है, उस प्रधानमंत्री के रहते हुए अगर हमारे देश की गौरव महिलाओं को आज यह धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश के लिए हो नहीं सकती। जो वीडियोस मैं देख रही हूँ, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ इन्हें कि हम आपके साथ हैं, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ब्रजभूषण शरण गिरफ्तार नहीं होगा, हम आपकी लड़ाई में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और तन मन धन से आपका साथ देंगे, पीछे नहीं हटने देंगे। आपको कमज़ोर करके कोई खदेड़ नहीं सकता, कोई आपकी जुबान को बंद नहीं कर सकता, आपको न्याय दिला के रहेंगे। वहीं खेल मंत्री कह रहे हैं कि जब FIR दर्ज हो चुकी है तो अब धरना हटा लेना चाहिए या प्रदर्शन खत्म करना चाहिए। मैं खेल मंत्री
अनुराग ठाकुर जी को बताना चाहती हूँ कि निर्भया कांड के बाद 2013 का जो पॉश एक्ट बना, उसकी पहली चेयरपर्सन हूँ इस देश की, मैंने उस एक्ट को लागू किया है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि पॉश एक्ट के सेक्शन 9 के अंदर कोई भी महिला आईसी की इंक्वायरी के चलते हुए भी कानूनी रूप से ये अधिकार रखती है कि वो पुलिस के अंदर जाके अपनी FIR दर्ज कराए। और सबसे पहला काम अनुराग ठाकुर को ये करना चाहिए था कि ब्रजभूषण चरण को उनके पद से हटाना चाहिए था। पॉश एक्ट का सेक्शन 11 कहता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत आए, यदि उसको पद से नहीं हटाएंगे तो वो जाँच को प्रभावित करेगा। इसलिए अगर वो कानून की बात करते हैं तो कानून के रास्ते भी वो बोलने लायक नहीं है। कोई कानूनी कार्रवाई ठीक से नहीं की जा रही है महिलाओं के पक्ष में, पहलवानों के पक्ष में। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर कहीं ये नेता विपक्ष का होता या कहीं गलती से मुसलमान होता तो अब तक अरेस्ट या गिरफ्तारी हो गई होती। देखिए, इस देश में अघोषित इमरजेंसी है, इस देश में अघोषित इमरजेंसी है। अभी मैं कल एक वीडियो देख रही थी, एक महिला ने पुलिस को पैसे देके अपने 102 साल के बुजुर्ग ससुर के खिलाफ बलात्कार की कंप्लेंट दी तो अस्पताल में उसको अरेस्ट करने पुलिस पहुंच गई। और ब्रजभूषण चरण, जिसके ऊपर 50 मुकदमे हैं, क्यों अरेस्ट नहीं करते? आज BJP के लिए उसका सांसद कीमती है, देश का गौरव की कोई कीमत नहीं है। ब्रजभूषण कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बोल देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों, उनसे पूछ के यौन उत्पीड़न किया था क्या उसने? उनसे पूछ के यौन उत्पीड़न किया था, इसका मतलब वो ये भी कहें कि मैं अब तक जो भी गलत कर रहा था देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछ के कर रहा था। यह बिल्कुल अनुचित है, ये नैतिक रूप से भी गलत है, कानूनी रूप से भी गलत है। मैं इसकी निंदा करती हूँ, कठोर निंदा करती हूँ, कठोर शब्दों में। जब ये बेटियाँ गोल्ड मेडल लेके आती हैं तो फूल माला के साथ एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अब कोई नेता आसपास दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मैंने आपको बताया ना, जब सत्ता को देश समझने की आदमी गलती करता है तो ऐसा ही करता है। भीष्म ने भी यही किया था, अंधे धतराष्ट्र को उसने देश समझ लिया था, हस्तिनापुर समझ लिया था। आज नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, योगी को, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को लोग देश समझने की भूल कर रहे हैं, इसकी कीमत उनको देनी पड़ेगी। आप उस दिन देखी होंगी, रात में बारिश हो रही थी, आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प होती है और ये महिला जो है पहलवान, वो बड़ा आरोप लगाती है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि उन्हें गलत तरीके से टच किया पुलिस वालों ने, इस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल करती है पुलिस, बिल्कुल करती है। मैंने तो 25 साल विपक्ष की राजनीति की है, अरे अब 8 साल से 10 साल से ही तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। मैं तो पहली जिला अध्यक्ष थी हरियाणा की, पहली जिला अध्यक्ष जनरल बॉडी की, जिसे खुद नरेंद्र मोदी ने बनाया था अपनी कलम से। मैंने तो विपक्ष की राजनीति की है, पुलिस जातियाँ करती है, लेकिन बिना राजनीतिक संरक्षण के पुलिस जाति नहीं कर सकती, ये मैं कहना। यानी कि पुलिस को भी सह दिया जा रहा है? 100%, बिल्कुल। बिना राजनीतिक संरक्षण के पुलिस की हिम्मत नहीं हो सकती, कैसे हिम्मत हो सकती है? जी क्या क्या कहेंगे? मैडम ने जितना भी कहा सही कहा, मैं भी बिहार से हूँ, मैं भी इस पहलवान के समर्थन में आया हूँ और मैडम जो कहा मैं उनका स्वागत करता हूँ, बिल्कुल सही कहा। तो देख सकते हैं साफ तौर पे लोग समर्थन दे रहे हैं और कुछ महिलाएं हमारे साथ थी जो खुल के बात रख रही थी, ये BJP में भी रह चुकी हैं, ये बता रही हैं कि किस तरह से जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कार्य की हैं। जब ये महिलाएं आ सकती हैं तो जो सत्ता पक्षी महिलाएं हैं वो कहाँ सो रही हैं? ये बड़ा सवाल है अपने आप में कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।